तो आज हम देखने वाले हैं कि लोग GTA क्यों खेलते हैं। क्या आपको भी आपकी जिंदगी में फैनी मैग्नेट डाल के ढेर सारी लड़कियां आसपास चाहिए? क्या आप भी GTA Vice City को मिस करते हो जैसे कि उसे मैं मिस करता हूं? और क्या आप भी सोचते हो कि आपके पास अनलिमिटेड हेल्थ और अनलिमिटेड मनी हो? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बचपन में GTA गेम पूरा दिन खेलने को छुट्टियों में कितना मजा आता था ना। लेकिन बचपन में मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, इसीलिए मैं 5 रुपया लेता था अपनी मम्मी से और जाता था डायरेक्ट साइबर कैफे में खेलने के लिए GTA Vice City आधा घंटा। लेकिन मैं उस अंकल को कैसा तो भी मस्का मार मार के आधे घंटे के बदले 1 घंटा खेलता था। आज भी मैंने ये गेम थोड़े टाइम के लिए खेला और कितना समय चले गया मुझे पता ही नहीं चला। एक चीज मैंने GTA के बारे में सीखी जो कि यह है कि फैनी मैग्नेट डालने के बाद भी आपके पास भले ही कितनी भी लड़कियां आसपास हो, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो आपके आसपास नहीं आती। और जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, पर उनको इग्नोर कर दो भाई, पूरा शहर है घूमने के लिए, बस घूमते बैठो। सबसे ज्यादा मजा मुझे GTA Vice City में उस दिन आया था जिस दिन मैंने हेलीकॉप्टर को डिस्कवर किया था, और हेलीकॉप्टर मिलता कहाँ है वो जगह को मैंने डिस्कवर किया था। और पहली बार जब मैं GTA Vice City को खेल रहा था और हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद ही हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। वो भी क्या दिन थे यार। अभी के दिन भी अच्छे है लेकिन शायद से ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। क्या तुम्हें पता है वो GTA का मॉड जिसमें ट्विन टावर आए थे, और वो ट्विन टावर का मॉड देख के तो मैं बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया था और मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये क्या देख लिया मैंने, इतना बड़ा ट्विन टावर, ऊपर देख रहा हूँ तो बिल्डिंग खत्म ही नहीं हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग है। फिर मैंने जब उसके अंदर घूमना शुरू किया तो फिर मैं सोचा कि इस बिल्डिंग के ऊपर ही चले जाता हूँ, तो मुझे एक दरवाजा दिखा, उसके अंदर से मैं गाड़ी लेके चलाना जो शुरू किया तो चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है भाई रास्ता खत्म होने नहीं वाला है। मेरे को तो पहले लगा कि भाई पब्लिक ने अपने को और ये गेम कभी खत्म ही नहीं होने वाला। मेरे को लगा कि मैं सिर्फ वो आगे का बटन दबा के राइट लेफ्ट करते करते गाड़ी को बस चढ़ाते ही जाऊंगा। फिर मैंने भाई हार मान ली और गाड़ी अपनी रुका दी। लेकिन थोड़ी और मेहनत करने के बाद या फिर थोड़ा और अंदर से मुझे लगा कि नहीं भाई ऊपर तो जाना ही है, तो मैं ऊपर गया और फिर फाइनली मैं ऊपर पहुंच गया और फिर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और फिर मैंने देखा तो क्या वहां पे उसामा बिन लादेन और एक कोई तो था, उसकी फोटो थी। तो फिर मैं वो फोटो को थोड़ा देखा, थोड़ा टाइम पास किया उधर, और फिर मैंने सोचा कि भाई अभी इतना बिल्डिंग के ऊपर आ गया और नीचे वापस से मेरे को गाड़ी उतार के नहीं जानी है तो मैं ऊपर से उड़ी मार लेता हूँ। बट फिर ऊपर से उड़ी मारते ही डायरेक्ट वेस्टेड हो गया और मैं चल दिया। GTA Vice City का सबसे इरिटेटिंग और सबसे गंदा पार्ट मुझे लगता था वो हेलीकॉप्टर वाला मिशन, जो कि RC कंट्रोल भाई उड़ाओ और बॉम्ब डालो इधर उधर बॉम्ब, और भाई वो मिशन तो मैं कभी पार ही नहीं कर पाया जिंदगी में। तो इसीलिए मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया और फिर हम दोनों मिलके एक ही कंप्यूटर पे वो गेम खेल रहे थे। उसका सिर्फ एक ही काम था कि भाई हेलीकॉप्टर को जहां जाना है वहां उसको लेके जाना है, और मेरा सिर्फ एक ही काम था कि भाई जहां देखे वहां मेरे को बस बॉम्ब डालते जाने हैं, बस बॉम्ब डालते जाने हैं। वो गेम मैं अपने दोस्त की मदद के बिना कभी पूरा नहीं कर पाता। उस दोस्त का नाम था तेजस। मैं आपको उससे कभी तो मिलाऊंगा लेकिन अभी वो वक्त नहीं है क्योंकि मैं अपने आप से ही नहीं मिला हूं अभी तक। और एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा GTA Vice City खेलने के टाइम अच्छी लगती थी, जो कि था कि मैं वो डिस्को में चले जाता था, डिस्को या क्लब या जो भी था उसके अंदर जाके थोड़ा ऐसा एक्टिंग करता था नाचने विचने की, और फिर धड़ाधड़ सबको उड़ा डालता था। भाई मेरे को उससे ज्यादा मजा कहीं नहीं आता था, और क्योंकि अंदर पुलिस भी नहीं आ सकते थे तो और ज्यादा मजा आ जाता था। आते थे क्या पुलिस अंदर? सोचना पड़ेगा। उस गेम की सिर्फ एक ही शांति जो कि है भाई चलते फिरते रास्ते पे जो दिख रहा है उसको या तो गाड़ी से उड़ाओ, या तो उसको गोली से उड़ाओ, या तो उसको पंच मारो, या तो उसको धक्का मार के चले जाओ, और अगर उसने कुछ गंदा सा डायलॉग अपने को मार दिया तो डायरेक्ट उसको ठोक ही दो। सिर्फ गेम में होता है क्या बाबा? क्योंकि गेम है ना भाई, असली लाइफ में अगर मैं किसी को पंच मारूंगा तो मुझे तो वो पंच लात बुक्का सब मार मार के गिरा के मुझे ही उड़ा देगा। और बाद में जैसे जैसे वो गेम में खेलने लग गया और फिर मेरे को मेरे दोस्त लोग दिखते थे वो साइबर कैफे में गेम खेलते हुए, और उनके कपड़े बदले हुए थे तो, और कपड़े भी उसके बहुत रंग बिरंगे होते थे। तो मैं उसको देख के एक दिन पूछा कि भाई ये कैसे कर रहा है, तो उसने मुझे आज तक बताया नहीं, लेकिन बाद में मुझे उसका वो मॉड मिल गया था तो मैंने भी उसका लुफ्त उठाया और इधर उधर कपड़े बदल बदल के मैं मचाता था। अनलिमिटेड हेल्थ और अनलिमिटेड सब कुछ मिलने का सिर्फ एक ही तरीका था बाबा, वो की है पिज्जा। पिज्जा यानी खाने वाला पिज्जा नहीं, पिज्जा यानी कि पिज्जा सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को डालते ही तुम्हारे पास अनलिमिटेड हेल्थ, अनलिमिटेड पैसे, अनलिमिटेड गोलियां और सब कुछ अनलिमिटेड होता था। बट उसकी एक बात मुझे पसंद नहीं थी कि मेरे पास जब सब कुछ अनलिमिटेड आ जाता था तब मेरे को वो गेम खेलने में ज्यादा मजा नहीं आता था, क्योंकि हारने के लिए कुछ था नहीं, मरता तो मैं तभी था नहीं, और पानी में डूबने के बाद भी शायद उसमें नहीं मरते थे, तो क्या ही मजा आ जाएगा भाई। और एक चीज ऐसी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी GTA Vice City खेलते खेलते, जो कि है कि PANZER डाल के एक मस्त सा टैंकर वहां पे लेके आओ और उस टैंकर को चलाओ और उस टैंकर से सबको उड़ाओ, क्योंकि भाई एक नंबर मजा आता है भाई
इससे ज्यादा मजा कहीं नहीं आता, क्योंकि भाई टैंकर के अंदर कोई कभी घुस ही नहीं सकता, और अगर घुस गया तो तुम वेस्टेड हो जाओगे, लेकिन भाई कोई घुस ही नहीं सकता। एक ही रूल है भाई GTA में नहीं पकड़े जाने का टैंकर से, कि भाई टैंकर को बस चलाते रहो, उसका दरवाजा टूट जाए, कुछ भी फूट जाए, बस टैंकर चलाते रहो, टैंकर को कभी भी रुकाना मत, वरना पुलिस अंदर घुस जाएगी भाई। और अपने को नटर टूल्स, प्रोफेशनल टूल्स और ये सब टूल्स तो मालूम ही चाहिए बाबा, मचाते रहो। बतक, क्या गेम था यार, क्या गेम था वो, अभी भी है पर क्या गेम था वो। इतनी सारी चीजें मुझे याद आ रही है वो गेम के बारे में कि यार इस छोटे से वीडियो में कैसे बनाऊ, मेरे बालों की तरह वो भी खत्म हो जाएगा भाई। ये बंटा है, चलिए हो गया अपना रिकॉर्ड, ये सब हटा दे, ये पकड़, अभी रुक रुक मैं उसको एक आखिरी चीज बोलने वाला हूँ। तो एक आखिरी चीज मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो तुम सब्सक्राइब करने की सोचो और हमारे साथ थोड़ा मचाओ यार। तो अगर तुम्हें GTA Vice City की तरह या फिर GTA Vice City का एक और गेम चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ भाई, मेरे को कोई कमेंट्स नहीं कर रहा है मेरे पूरे चैनल पे। हो गया ये वीडियो का, ऐसा तो खत्म हो गया।